पहला सवाल है आपका प्रश्नावली 9.1। याद कीजिए दो वृत्त सर्वांगम होता है यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर है। कक्षा 8 में आपने पढ़ा दो वृत्त की त्रिज्याएं अगर आपस में बराबर हैं तो वो कैसे होंगे सर्वांगम, यानी वो एक दूसरे को ढक लेंगे। सिद्ध कीजिए सर्वांगम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सवाल यह है हमारा, क्या है सवाल? सिद्ध कीजिए कैसे करना है सर्वांगम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित कर। चलिए पहले हम सवाल को गणित के रूप में समझते हैं, ठीक है? यानी हमारे पास दो वृत्त हैं और दोनों ही सर्वांगम वृत्त हैं, यानी हम दोनों वृत्तों की त्रिज्या कैसी है आपस में? एक का केंद्र मान लेते हैं C और दूसरे का केंद्र मान लेते हैं, और दोनों की त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या भी R है और इसकी त्रिज्या भी R है। माना दो सर्वांगम के केंद्र O तथा C, क्या क्या है केंद्र? O तथा C। वाह, वृत्तों की त्रिज्या कितनी है? चलिए क्या ज्ञात है आपको ज्ञात है, सिद्ध कीजिए सर्वांगम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी आपके पास दो जीवाएं हैं जो आपस में बराबर हैं, एक का नाम रख दिया ए बी और दूसरे का नाम रख दिया हमने पी क्यू, और ये जीवा इसके बराबर है। क्या बताया इसने? जीवा ए बी बराबर है जीवा, हमें सिद्ध करना है जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये बने, और यहाँ जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जीवा के दोनों सिरों के केंद्र से मिला दो, ये कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं बराबर। क्या करना है हमें? सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण ए सी बी बराबर है दूसरे जीवा द्वारा दूसरे केंद्र पर बने कोण यानी ए पी ओ। सिद्ध करने के लिए ज्ञान हमारा वही पुराना, दो त्रिभुजों को सर्वांगम सिद्ध करो और सी पी सी डी सिद्ध करना है, उसके लिए हमें क्या एडिंग करनी पड़ती है? ऊपर। चलिए करिए, और कौन सा त्रिभुज हमारे पास? त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में हम जांच रहे हैं, तो साफ साफ पता लग रहा है सी ए बराबर ओ पी और सी बी बराबर ओ, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर क्यों होगी? क्योंकि सबकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वृत्त की सारी त्रिज्या बराबर होती है और ये दोनों वृत्त सर्वांगम हैं तो इनकी त्रिज्या भी आपस में बराबर होंगी, जितनी भी त्रिज्या इसकी होंगी वो सब इसकी त्रिज्या होंगे बराबर होंगे, चाहे आप इसको इसके बराबर ले लो इसको इसके बराबर। क्यों हुआ? एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है और ये बात लिखी हमें गलत, क्योंकि एक ही वृत्त नहीं लेना, हमें कौन से वृत्त लेने? अरे दो नहीं, सर्वांगम वृत्त त्रिज्या बराबर होती है इसलिए इनकी त्रिज्या भी आपस में बराबर। उसके अलावा हम देख रहे हैं ए बी बराबर पी क्यू, क्यों? यहाँ से क्या पता लगा कि त्रिभुज ए सी बी सर्वांगम हो गया त्रिभुज पी ओ ए, और यहाँ से क्या पता लगा कि कोण बी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण क्यू ओ ए, ठीक है? क्यों?
और जब ये दोनों तेरे को सर्वांगसम हो गए तो फिर क्या पता लगा यहाँ से, पता लग तो गया ये गलत है भाई, यहाँ आएगा एस एस एस, बच्चा सही बोल रहा था, आठों पीरियड शुरू हो गया ना, इसको हटा देते हैं। हाँ वही देखो, अगर कोई मनुष्य अच्छा नहीं है, ये आ जाएगा सी पी सी डी। अब अगला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं केंद्र पर अगर बराबर कोण बनाएं तो जीवाएं बराबर होती। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दो आपको लिख लेंगे, चित्र बना रहा हूँ मैं, दो वृत्त हैं, दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं, ये दो वृत्तों की जीवाएं हैं ए बी और बी क्यू, ठीक है, और ये केंद्र पर जो कोण बना रही हैं वो ये कोण बन रहा है सी, और ये कोण बन रहा है ओ, और ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं बराबर हैं, और साथ साथ हमें सिद्ध करना है कि ये जीवाओं की लंबाई आपस में क्या ज्ञात है हमें, सर्वांगसम वृत्तों में जीवा हमें कोण ए ओ बी बराबर किसके दिया है कोण बी ओ क्यू, और क्या सिद्ध करना है आपको बताओ, अगर ये केंद्र पर समान कोण बनाते हैं तो जीवाओं की लंबाई आपस में इनको मिलाकर उल्टा करना है, ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन का, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये कोण एस ए एस से दोनों सर्वांगसम, और सिर्फ इसी आ जाएगा पी यू बराबर पी। चलिए लिख दे उपपत्ति त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी सी क्यू, ये मैंने इधर उधर इसलिए लिखे ताकि आपके दिमाग में ये ना बैठ जाए कि बी के साथ सी आता है, हमेशा कुछ भी कहीं भी कर सकते हो, अगर उसको बताया नहीं तब, इन दोनों त्रिभुजों को हम देख रहे हैं ओ ए बराबर पी सी, ओ बी बराबर सी क्यू, और कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी सी क्यू, ये क्या इसको बताने की जरूरत है, अंडरस्टूड है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी सी क्यू, ये कैसे हुआ यह लिख देना, वैसे एक ही सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है, लिख देना सर्वांगसम वृत्त, तो जब ये दोनों तरफ सर्वांगसम हो गए तो ए बी किसके बराबर आ गए पी सी बी, यही हमें पहली प्रश्नावली खत्म, इसमें दो सवाल, ठीक है।